हेलो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय मेकिंग फर्स्ट व्लॉग। ये मैंने आज मम्मी से बोल दिया है कि आज मम्मी आप रेस्ट करो और मैं आज का खाना मैं बनाऊंगा, तो आपकी हेल्प चाहिए होगी तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देगा। मैं ना ले आधा किलो चाप, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई नहीं बात नहीं। और मैंने इसकी स्टिक्स निकाल दी और इसे थोड़ी धीरे धीरे कट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हैं, छोटा करना है या बड़ा करना है वो आपकी चॉइस है। तो मैंने सारी चाप छोटी छोटी कट कर ली जिसमें इसमें फ्लेवर मिल सकते हैं। बंदे ये लो फ्लेम पे ऑयल बॉईल करें और इसमें धीरे धीरे अपनी चाप डाल दीजिए और अब धीरे धीरे इसमें 10 से 15 मिनट अपना फ्राई करने में लगा दीजिए। ये देखिए मेरी चाप कैसे तैयार है फ्राई होने के बाद, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल देता हूँ जिससे इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए इसका, और 1 चाट मसाला डाल देता हूँ। 3 चम्मच मैंने दही डाल दिया है इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है जिससे इसमें अंदर अच्छे से फ्लेवर पहुँचाए और अच्छा टेस्ट आए इसमें। और इसके बाद मैरिनेट कर देना है। 4 से 5 प्याज कट करके मैंने इसमें फ्राई कर लिया है, इसे थोड़े थोड़े ब्राउन करनी है। ब्राउन करने के बाद हमें इसे मिक्सी में मिक्सचर करके थोड़ा पानी डाल के ऐसा पेस्ट बना लेना है। फिर उसके बाद इलायची, 3-4 लौंग और दालचीनी हमें कढ़ाई में छोड़ देनी है लो फ्लेम पे, याद रहे। 5 से 6 टमाटर जो मिक्सी में मैंने मिक्स कर लिया है अब इसमें तेल में डाल देंगे धीरे धीरे, ऐसे धीमे धीमे गैस पे पकने दें। 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दीजिए जिससे इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए। नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लो। इसके मैंने डाल दिया ऑनियन का पेस्ट जो मैंने मिक्सी में मिक्स करा था। अब हमारा मैरिनेट का टाइम ओवर हो चुका है, अब हम अपने चाप को निकाल लेंगे। अब इसे हम आराम से अच्छे से डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे फिर उसमें के बाद। ये है चाप, आदमी की भी हाथ की चाप बनी हुई, बहुत बढ़िया बना रखी है। खाई तो है नहीं पहले।